जुर्मों का यह 16वां का दर्ज हो चुका है और अब तक इन तीन खतरनाक मुजुर्मों को हम गिरफ्तार करने में नाकाम है। इंस्पेक्टर जगदेश, हमारे लिए यह बहुत शर्म की बात है। चारों तरफ सख्त निगरानी कर रखी है सर, और कुछ आदमी भी मुकर किया जा चुके हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द वो तीन आदमी आपके सामने जिंदा या मुर्दा पेश किए जाएंगे। इंस्पेक्टर जगदीश, यस सर, आपके लिए खुशखबरी है। वेरी वेल सर, हेडक्वार्टर से एक नोटिस आया, अगर एक महीने के अंदर हमने इन मुजुर्मों को गिरफ्तार नहीं किया तो हमें अपने उहदों से इस्तीफा देना पड़ेगा। कुछ समझे आप? ईमानदारी, लगन, सच्चाई हमारा असूल है। मैं जानता हूँ बॉस,
इस तरह के गैर कानूनी काम करने वालों का यही असूल होता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके विश्वास को भी ठेस नहीं पहुँचेगी। अब तुम जा सकते हो। लेकिन बॉस, क्या कहना चाहते हो? अंधेरों में काम करने वालों के दरमियान पर्दा नहीं होना चाहिए। या आप उजाले में आ जाइए या मुझे अंधेरे बुला लीजिए। इससे क्या हासिल? मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने मुझ पर भरोसा किया। देख लिया तुम? यस बॉस। अब इन्हें बाहर ले जाओ। लेकिन बॉस, जैसे मैंने कहा है अमल करो। ओके बॉस। राम सिंह, यहां क्यों आए हो? मैं तो घबरा ही गया था। यही तो मैं तुमसे कहने आया हूं मेरे भाई, जिस काम में घबराहट हो, जान का खतरा हो, उस काम को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं ये बेकार बातें सुनने का आदी नहीं। श्याम सिंह, ये बेकार की बातें नहीं, मैं डरता हूं कि कहीं ये धोखे से कमाई हुई दौलत हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में न मिला दे। इन हीरों की कीमत तुम जैसे जाहिल और गवार की अकल से कोसों दूर है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुमको गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। अरे पगले, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी तो नहीं, पर ये चोरी और बेईमानी की दौलत की हमें क्या जरूरत है? इस दौलत में कितना नशा होता है तुम क्या जानो? तुम तो बैठे राम नाम जपा करो, राम नाम, समझे? घर ना आ जाए तुम उसका इंतजार करो और देखो कि वो माल के साथ आता है कि माल के बगैर। ओके ओके बॉस। ओके We'll be right back.
हेलो, इंस्पेक्टर जगदीश स्पीकिंग। प्लीज फोन चीफ पर दो। चीफ राउंड पर गया हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? कोड 303। हेलो रमेश, व्हाट न्यूज? एक खुशखबरी है इंस्पेक्टर, मैंने कामयाबी के साथ अपना काम पूरा कर लिया है और सारे सबूत मेरे पास मौजूद है। कौन है बॉस? बॉस के दर्शन भी कर लिए और उसका नाम। हेलो हेलो, डायरी में सब कुछ लिखती है। मत मचाओ। बताओ तुम्हारा बाप ने डायरी कहाँ रखी? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ जल्दी बताओ वरना तुम्हें भी तुम्हारा बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा।